हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिल बगेल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हो तो अनिल बगेल ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो आपको मैं वहाँ के अच्छे अच्छे लोकेशन बताऊँगा। तो ऐसे ही लोकेशन, कोई मंदिर है, कोई रोड है, कोई अच्छी जगह है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे वीडियो बना के मैं अपलोड करता रहूँगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे अनिल बगेल व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। और चलते हैं बैक कैमरे पे और मैं यहाँ का लोकेशन बताता हूँ। फिलहाल मैं हूँ राजस्थान के बॉर्डर पे, गुना जिला राजस्थान का बॉर्डर नज़दीकी है, उसके पास में हूँ। चलते हैं बैक कैमरे पर। दोस्तों, मैं फिलहाल यही मकान दिख रहा, इसी मकान में रहता हूँ। और इधर राजस्थान का बॉर्डर नज़दीक है, बारा ज़िला है, सिकंदरगंज तहसील है, और क्या बोलते हैं वो केलवाड़ा के नज़दीक में रहता हूँ। और यहाँ का लोकेशन है। दोस्तों, यहाँ भी जो अलीराजपुर झाबुआ ज़िले में जो ताड़ हुआ करते हैं, वही ताड़ है ये। और ये दिख रहे हैं ना, कोई गेहूं वेहूँ नहीं है, चावल लगाए हुए है, पूरा खेत है। इधर बॉर्डर दिख रहा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बॉर्डर दिख रहा है, ये पत्थर वाला पूरा पूरा बॉर्डर दिख रहा। थोड़ा जूम करके लेता हूँ, ताड़ के पास दिख रहा ये वाला, ये बॉर्डरी बना रखा है। इतना बड़ा खेत है, इस पूरे खेत में चावल यानी चावल ही बोए हुए हैं। आगे चलता हूँ, आपको यहाँ का जो सोयाबीन और मक्का चावल यही बोते हैं, तो आपको वो बताने की कोशिश करूँगा मैं। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों, मैं फ़िलहाल आगे जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, यह इधर बोई हुई है मक्का। मक्का सबसे ज़्यादा बोते हैं इधर, मक्का है। आगे वाले में मक्का है, आपको घास ज़्यादा के होने के कारण आपको कम दिखाई दे रही, ये मक्का है। और वो नज़दीक वाले खेत में सोयाबीन है, सोयाबीन मक्का और जो चावल का बीज आता है ना, साल बोलते हैं उनको, वो लगाते भात, इधर यही ज़्यादा फसल होती है। और यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा है, रास्ते में ऐसे तार फिनिशिंग कर दिए जाते हैं, पूरे पूरे तार फिनिशिंग, या तो ये पत्थर रख के ऐसे तार फिनिशिंग, या तो फिर ऐसे ये पत्थर रख के ऐसे जिसका खेत है उसके खेत के पास नज़दीक में ऐसा बॉर्डर बना दिया जाता है। और यहाँ महुए के पेड़ है, ताड़ के पेड़ है, सब कुछ है इधर, सिंध की पेड़ है, जो अलीराजपुर ज़िले में प्रॉपर पाए जाते हैं ना, वही इधर गुना जिला में है। और इधर रास्ते अपने जैसे पक्का रोड नहीं है, ऐसे ही सिंपल रास्ते है, ये दिखाई दे रहा ना आपको, यही वाला। इधर भी दिखा दूँ, इधर भी यही वाला, वो अपना बंदा बैठा है, ये इधर उंगली के बाजू में। तो यहाँ का यही नज़ारा है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो एंड तक देखा है, दोस्तों फिलहाल थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, और अगर आप नए हो तो अनिल बगेल ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, मैं घूमता रहता हूँ, तो आपको वीडियो बना के बताने की कोशिश